आंकने में सही अनुमान लगाने में कहीं कोई 1% का समय है और इसकी पूरे के पूरे पलामू लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीडी राम ने लगाया हैट्रिक। वहीं बीडी राम पहले राउंड से ही बढ़त बनाते रहे और 288,807 वोटों के अंतर से राजद के प्रत्याशी ममता भुइयां को हराकर पलामू लोकसभा से जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के बाद पलामू वासियों को जीत की हार्दिक बधाई दी। वहीं पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी शशि रंजन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीडी राम को विजयी घोषित करते हुए उन्हें निर्वाचन होने संबंधित प्रमाण पत्र सौंपा। जीएलए कॉलेज से विजयी जुलूस पूरी गाजे बाजे के साथ निकली। वहीं कार्यकर्ता थिरकते दिखे। इस जीत को मैं पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता की जीत मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की जीत मानता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जो मतदान हुआ है उसकी जीत मानते हैं। और ये जीत हम इस बात के लिए भी मानते हैं कि जो जनता का प्रधानमंत्री जी में भरोसा है उस भरोसे की भी जीत मानते हैं।